नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आज लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट फोर। इससे पहले हम तीन पार्ट कर चुके हैं नंबर सिस्टम के, बोध मास के दो पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेना जाकर, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आप जाकर देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आज करेंगे हम टू कंजेक्टिव नंबर्स आर 20 and 19, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें दो लगातार संख्याएं दी हुई है, क्या 20 और 19, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, ये कितना है 20 और 19, लगातार संख्याएं कितनी दी हुई है 20 और 19। या तो आप डायरेक्ट कर दो, कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 20 में 19 ऐड करेंगे 39, तो दोस्तों 39 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपने ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कर लो, ये ट्रिक आपको बता दी है सीधी, और ट्रिक से ना करना है तो दोस्तों आप इसका स्केयर कर दो 20 का 400, इसका 19 का स्केयर कर दो कितना आएगा 361। तो दोस्तों 400 में से 361 माइनस कर दो, कितना आएगा 39 आएगा। दोस्तों जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है आंसर। तो दोस्तों आगे उस जैसा ही सवाल है, क्या करना है, टू कंसेक्टिव नंबर्स आर 40 and 41, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स। क्या करना है, दो लगातार संख्याएं दी हुई है, क्या दी है 40 और 41, वो सेम सवाल है पीछे वाला, उनके वर्गों का डिफरेंस निकालना है हमें कितना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, ट्रिक से कर लो, 40 में 41 जोड़ दो सीधे, 40 में 41 ऐड कर दो, जितना आंसर आए कितना हो गया 81, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है आंसर। ये तो होगी दोस्तों ट्रिक। अगर ट्रिक से ना करना है, सीधा करना है, तो दोस्तों 40 की स्क्वायर कर दो कितनी होगी 1600, माइनस क्या कर दो 41 की स्क्वायर कितनी, अब कितनी होगी 1600। तो दोस्तों क्या आ गया 81। तो दोस्तों हमें डिफरेंस बताना था, तो हमारा डिफरेंस कितना आया, 81 का डिफरेंस आया है। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया 81। तो दोस्तों आगे सवाल नंबर 3, क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 49, फाइंड द नंबर्स। तो दोस्तों अब क्या दिया है, हमें स्क्वायरों का अंतर दिया हुआ है कितना 49, हमें निकालना क्या है नंबर निकालना, पहले हमें नंबर दिए हुए थे, डिफरेंस निकालना था स्क्वायरों का, अब हमें स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो डिफरेंस दिया है उसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 1 ऐड करने पर 50, इसको आधा कर दो कितना हो गया 25, एक तो हमारा 25 और एक इससे पीछे वाला क्या है 24 और 25, ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारी संख्याएं हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। तो दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, क्या आ गया 24 और 25 आंसर आ गया। अगर आप प्लस करके ना कर रहे हो, अगर आप माइनस भी कर देते हो इसमें से 49 में से माइनस कर देते हो 1, कितना आ जाएगा 48। तो दोस्तों इसका हाफ कर दो कितना आ गया 24। अगर आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो एक वो संख्या और उससे आगे वाली, अगर एक प्लस करोगे तो वो संख्या और उससे पीछे वाली। तो दोस्तों आंसर लेना, ये संख्या ऐसी आ जाएगी, दो तरीके हैं। तो दोस्तों आगे सवाल नंबर 4 क्या है, ए नंबर इज एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल टू 75, फाइंड द नंबर्स। तो दोस्तों क्या करना है, एक संख्या को हमें कोई संख्या माननी पड़ेगी, एक्स मान लो, जैसे एक्स हमने कोई संख्या मान ली, क्या करना है एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर, एक संख्या को उसके दो तिहाई में, इसका दो तिहाई कितना हो जाएगा 2xy3, उसको दो तिहाई में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 75, इक्वल में क्या प्राप्त होता है 75। ये दिया हुआ दोस्तों, वह संख्या ज्ञात करनी है, एक बार हिंदी में बता देता हूं द्वारा क्या है, एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक्स हमने संख्या मान ली, उसके दो तिहाई
जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे दोस्तों? ये क्या हो गया 3x प्लस 2x y 3, एलसीएम लेके कर दिए इसको हमने सॉल्व, ये क्या है 75। अब इस 3 को उधर ले जाते हैं, ये कितना हो गया 3x प्लस 2x 5x, ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाके डिवाइड, 15 5 75। दोस्तों 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 45। 45 हमारा, हमारी वो संख्या है जो हमें ज्ञात करनी थी, ऑप्शन नंबर ए वो हमारी संख्या है, आंसर है। तो दोस्तों आगे सवाल पीछे वाले जैसा ही है। क्या है दोस्तों, एक नंबर लेना है हमें, उसमें दो तिहाई जोड़ना है और हमें प्राप्त कितना होता है 35। वो संख्या ज्ञात करनी है कितनी है। तो दोस्तों संख्या हम एक्स मान लेते हैं, उसमें दो तिहाई जोड़ेंगे, ठीक है, बराबर कितना है 35 दिया हुआ है। क्या किया है, हमें दी हुई है एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। वह संख्या याद कीजिए, एक संख्या हमने माननी है x, उसी संख्या का दो तिहाई, यानी कि x का दो तिहाई कितना हो गया 2/3x, जोड़ना है बराबर कितना है 35। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x y 3 इक्वल 35। तो ये कितना हो गया 5x, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 5 7 35। 7 की दिन से करेंगे 21 हमारा ही वो संख्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आंसर। तो दोस्तों आगे सवाल नंबर 6, क्या करना है, हमें कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या में हाफ जोड़ना है, उसी संख्या का हाफ जोड़ना है और हमें प्राप्त कितना होता है 33। दोस्तों पीछे वाला सेम सवाल ही है, तो उसमें दो तिहाई था, इसमें हाफ है, तो कोई संख्या मान लो x, उसमें उसी का हाफ जोड़ दो 1/2x, प्राप्त कितना होता है 33। दोस्तों बस सिंपल सवाल है, सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 2x प्लस x y 2 इक्वल 33। दोस्तों 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया 3x इक्वल इनटू ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और ये 3 उधर जाकर यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये क्या हो गया 11 पर कट गया, 11 2 22। ये हमारी वो संख्या है जो हमें ज्ञात करनी थी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आंसर। आगे सवाल हमारा दोस्तों क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, दो संख्याएं दी हुई है उनका योगफल कितना है 50। जिनमें एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है, एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है। ध्यान से पढ़ो दोस्तों, जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा उतने तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे दोस्तों? दो संख्याओं का योगफल हमें कितना दिया 50, हमें पता नहीं है अभी संख्या कौन सी, हमें अपने तरफ से माननी है। हमने संख्या मान ली कोई x, ठीक है, एक संख्या मान ली x, दूसरी संख्या की 2/3 गुणी है, इसकी क्या है 2/3 गुणी है, दूसरी संख्या इसकी 2/3 गुणी है। दोस्तों इनका योगफल कितना है 50। बस पीछे वाला सेम सवाल बन गया, सॉल्व कर दो क्या आएगा 3x प्लस 2x y 3 इक्वल 50, कितना हो जाएगा, ये 3 उस तरफ चला जाएगा
ये कितना हो जाएगा 5x, ये 5 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में क्या हो गया 10, 10 की 3 से गुणा करें कितना आ गया 30। तो दोस्तों एक संख्या हमारे पास कितनी आ गई 30, हमें दो संख्याओं का योगफल कितना दिया 50। तो अगर हम 50 में से, ये हमारी इक्वेशन है, अगर हम 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या भी आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक संख्या हमारी क्या है x, x हमारे पास कितना आ गया 30, दूसरी संख्या में x का मान भर दो और हमारा आंसर आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो दोस्तों आगे सवाल हमारे पास क्या है, एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का आधा कितना होगा? तो दोस्तों एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, एक संख्या है हमारे पास कोई x, उसका 4/5 भाग, x संख्या मान ली, हमें संख्या पता नहीं है, तो उसका 4/5 भाग क्या है 64 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, बस सवाल हो गया सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन ही है सीधी, ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई में, और ये 4 मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 × 4, 4 × 6 = 24। दोस्तों कितना आ गया, 16 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया 80। अब हमें क्या पूछा है, हमें वो संख्या निकाल ली हमने, इस संख्या, जो संख्या निकली है इस संख्या का आधा कितना है, हमें आधा पूछा हुआ है, ध्यान से देखो क्या पूछा है, आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा 40। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ वो संख्या है, आंसर है। तो दोस्तों आज इतने सवाल करेंगे हम, अगले सवाल अगले सप्ताह मिलेंगे आपको। तो दोस्तों ये हमारा चैनल है, तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों आगे दोस्तों को भी करवाना, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज हफ्ते। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा आपको, उस पर आप चाहे कुछ भी मारो, स्क्रीन ना टूटे बस मोबाइल की, वो सब्सक्राइब हो जाए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।